बुधवार को भिवानी पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने देवीलाल सदन में सुनी जनसमस्याएं। पत्रकारों के बुढ़ापा पेंशन सवाल पर कहा, 2 लाख से ज्यादा आमदनी वाले लोगों को आ रही हैं समस्याएं, शिकायत दर्ज करें, जल्द होगा समाधान। जहां 2 साल से तमाम लोग बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे पास कैबिनेट के अंदर 2 स्पॉट्स एक्सपेंशन के थे और दोनों पार्टियों ने अपने एक एक विधायक को कैबिनेट की शपथ दिलाई है और मैं उम्मीद रखता हूं कि आज शाम तक जो जो डिपार्टमेंट्स भी उन साथियों को देने हैं उस पर भी निर्णय हो जाएगा और बेहतरीन तरीके से और अगले 3 साल हम इसी तरीके से काम कर पाए, इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। हरियाणा की जनता जिस सोच के साथ इस गठबंधन के साथ जुड़ी है, मुझे लगता है हमने आम जन के लिए बेहतर काम कर दिखाया और इसीलिए चाहे वो नीति आयोग हो, गुड गवर्नेंस हो, हर एक में हरियाणा की रैंकिंग प्राथमिक नंबरों में आने लगी है। सब चर्चा की कला नहीं हुई थी, जो नाराज चल रहे थे वो जो विस्तार था वहाँ पर पहुँचे भी नहीं है, उनके पर कतरने की ऐसी चर्चा है कि सीएम और जो मैं इस पर क्या टिप्पणी करूँ, ये तो सीएम का प्रेरोगेटिव है। अगर हमने कोई हमारी पार्टी से भी मंत्री बनाया है तो उसको भी तो कुछ जिम्मेवारी देनी है और मिलकर ये तो सरकार अलग अलग लोग अलग अलग विभाग लेकर आगे बढ़ते हैं। तो सब जो आप किसान आंदोलन खत्म हुआ तो लगता है कि सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। हमने तो किसान आंदोलन हो कोरोना हो उस दौरान भी बेहतर तरीके से काम किया, इसलिए प्रदेश विकास के पथ पर चला और अब तो क्योंकि व्यवस्था बेहतर हुई है, अगर ये ओमिक्रॉन का प्रकोप नहीं आएगा तो और अच्छा काम करके देखिए। एक जो बुढ़ापा पेंशन है उसको लेकर विपक्ष काफी वगैरह, देखिए कानून भूपेंद्र हुड्डा के समय पर प्रवर्तित हुआ था कि जिस बुजुर्ग की दंपत्ति की हस्बैंड वाइफ की आय 2 लाख से ज़्यादा है सालाना, उसको उस समय पेंशन नहीं दी जाती थी। परिवार पहचान पत्र के साथ हमने लिंक किया तो कई जगह परिवार की आय को उठा लिया गया और उसके लिए रेक्टिफाई ओम प्रकाश जी ने भी कर दिया है, मैं भी कर देता हूँ कि किसी की भी पेंशन नहीं कटेगी। अगर किसी के इस तरह का ऑटोमेटेड एरर आता है तो अपने डिप्टी कमिश्नर को एफिडेविट दे कि उनके परिवार की आय उनके हस्बैंड वाइफ की आय बुजुर्गों की आय 2 लाख से कम है, उसको वेरीफाई भी तुरंत कराया जाएगा और उसको दोबारा सुचारू तौर से चलाया जाएगा। सब किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे दर्ज हुए थे, मेन मांग थी वो तो क्या? सरकार ने ऑलरेडी निर्णय ले लिया है और उसके लिए डिप्टी कमिश्नर्स को लिखित में दे दिया गया कि नॉन लीथल एक्टिविटी में अगर कोई पाया गया था तो उसको सरकार वापस ले। कितने दिन में कब तक हो जाएगा? कब तक तो होम डिपार्टमेंट बताए।